कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। प्रभात खबर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं कुमार विश्वतसेन। दिन भर की खबरें इस प्रकार हैं। झारखंड में पांचवें चरण का चुनाव संपन्न। संताल परगना की 16 सीटों पर 70.87% मतदान। झारखंड के निर्भया मामले में राहुल राज दोषी करार। शनिवार को सुनाई जा सकती है सजा। इंडियन रोड कांग्रेस के 80वें वार्षिक सम्मेलन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ राजद का बिहार बंद कल। एक बार फिर नज़रबंद किए गए जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव। ममता बनर्जी ने भाजपा पर साधा निशाना। एक के बाद एक राजनीतिक एजेंडा थोपने का लगाया आरोप। राज्यपाल धनखड़ ने की ममता बनर्जी से बयान वापस लेने की अपील। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया चुनावी कैंपेन। प्रशांत किशोर ने संभाली नैया पार लगाने का जिम्मा। उन्नाव बलात्कार मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा। 25 लाख का जुर्माना। और अंत में संशोधित नागरिकता कानून पर सरकार ने स्थिति किया स्पष्ट। कहा, 1987 से पहले भारत में जन्म लेने वाले सभी भारतीय। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड में पांचवें और आखिरी चरण का मतदान शुक्रवार को संपन्न हो गया। पांचवें चरण में संताल परगना की 16 सीटों पर करीब 70.87% मतदान किए गए। यहां की 16 में से 5 सीटों पर दोपहर बाद 3 बजे तक मतदान कराए गए, जबकि 11 सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहा। संताल परगना की इन सीटों के लिए 236 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 207 पुरुष और 29 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। झारखंड की राजधानी रांची के बूटी मोड़ में इंजीनियरिंग की छात्रा से बर्बरता के मामले में मुख्य आरोपी राहुल राज को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। कोर्ट शनिवार को राहुल राज उर्फ अंकित राज उर्फ रॉकी को सजा सुना सकता है। उसे इसी साल जून में डीएनए के आधार पर सीबीआई ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। रेप कांड में दोषी करार राहुल बिहार के नालंदा जिला के एकंगर सराय का रहने वाला है। राहुल को गिरफ्तार करने में सीबीआई को करीब 2.5 साल लग गए थे। 16 दिसंबर 2016 को बूटी मोड़ के पास स्थित एक बस्ती में इंजीनियरिंग की छात्रा से दुष्कर्म के बाद उसे जला दिया गया था। बिहार की राजधानी पटना स्थित बापू सभागार में इंडियन रोड कांग्रेस के 80वें अधिवेशन की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिवेशन का विधिवत उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव भी मौजूद रहे। बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग और इंडियन रोड कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के हर गांव और टोले को अगस्त 2020 तक पक्की सड़क से जोड़ने का सरकार ने लक्ष्य तय किया है। राष्ट्रीय जनता दल ने संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में 21 दिसंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। पार्टी ने बंद का ऐलान करते हुए आरोप लगाया कि इसने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने शुक्रवार की देर रात इसकी घोषणा की। उन्होंने संविधान और न्याय के सिद्धांत में विश्वास रखने वाले सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों से बंद में भाग लेने की अपील की। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को शुक्रवार की दोपहर 12 बजे से लेकर देर शाम तक बिहार की राजधानी पटना के मंदिरी स्थित उनके आवास पर एक बार फिर नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंदी के दौरान घर के बाहर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। पप्पू यादव को पटना सिटी के खानकाह इमादिया में शुक्रवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में जाना था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भाजपा पर देश के निवासियों पर राजनीतिक एजेंडा थोपने का आरोप लगाया है। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में आयोजित रैली में मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि भाजपा एक के बाद एक यह सोचकर अपना राजनीतिक एजेंडा थोप रही है कि भारतीय शांति प्रिय हैं और वे विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने सवाल पूछा कि भाजपा तब कहाँ थी जब 1947 में देश को आज़ादी मिली थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने
शुक्रवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी के संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराने की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मांग से वह इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियों का गलत संदेश जाएगा। धनखड़ ने मुख्यमंत्री से इस बारे में अपना बयान वापस लेने की अपील की। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। इस कैंपेन की शुरुआत करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल के स्लोगन के साथ आज से हम इस कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस चुनावी अभियान के दौरान शनिवार से आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 2 दिन तक अलग अलग वार्ड में पदयात्रा निकाली जाएगी। उन्नाव बलात्कार मामले में दिल्ली की 30,000 अदालत ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी करार विधायक सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सेंगर को सजा सुनाने में नरम रवैया अख्तियार करने की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि इस अदालत को ऐसी कोई परिस्थिति नजर नहीं आती जो गंभीरता कम करती हो। संशोधित नागरिकता कानून पर सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत में जिनका जन्म 1987 के पहले हुआ है या जिनके माता पिता की पैदाइश 1987 के पहले की है, वे सभी कानून के मुताबिक भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून 2019 के कारण या देशव्यापी NRC होने की स्थिति में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नागरिकता कानून 2004 के संशोधनों के मुताबिक असम में रहने वालों को छोड़कर देश के अन्य हिस्से में रहने वाले ऐसे लोग जिनके माता या पिता भारतीय नागरिक हैं लेकिन अवैध प्रवासी नहीं हैं, उन्हें भी भारतीय नागरिक ही माना जाएगा।